अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं KPN न्यूज़ HD और मैं हूँ लीजा अली। इस्लामाबाद कौमी असम्बली इजलास में वजारत रेलवे ने माली खसारे की तफसीलात पेश कर दी। दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा दौर हुकूमत में रेलवे को मजमूई तौर पर 1 खरब 19 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ। 2018 से 2019 में रेलवे को 32 अरब 76 करोड़ खसारे का सामना रहा। 2019 से 2020 में अदारे को 50 अरब 15 करोड़ से ज़ायद नुकसान उठाना पड़ा। रवां माली साल के 10 माह में रेलवे को 36 अरब 28 करोड़ का खसारा हुआ। वजारत रेलवे के मुताबिक 2 साल में ट्रेनों की तादाद 120 से कम होकर 84 रह गई। ऑपरेशन खसारे में इजाफे के सबब अप एंड डाउन 36 ट्रेनें बंद की गईं। कोरोना वायरस के 22 ऑपरेशन लॉसेज में इजाफा हुआ। वजारत रेलवे ने बताया कि ट्रेनों के खसारे में चलने से सबब ट्रेनों की तादाद में कमी लाई गई। बेहतर तजारती फायदे के लिए 15 मुसाफर ट्रेनें ठेकों पर देने का पेशकश की गई है। मीरपुर उम्मीदवार कानून साज असम्बली जुल्कनैन भट्ट ने कहा कि मुतासरीन मंगला डैम का एहतजाज 100 दिन से जारी है, इनजायज जेली कुंभाजात बहाल किया जाए और कब्जा चिटें इनको फौरी तौर पर दी जाएं। मुतासरीन मंगला डैम ने पाकिस्तान को सरसब्ज और खुशहाल करने के लिए अपने अबाओ अजदाद की कब्रों की कुर्बानियां दी हैं। इनके मुतालबात हुकूमत फौरी तौर पर तस्लीम करे। जलजला मुतासरीन भी आज तक दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं मगर हुकूमत डर से मस नहीं हो रही। पाकिस्तान का वजीर आजम यू टर्न ले रहा है और आज़ाद कश्मीर का वजीर आजम झूठ बोलकर लोगों को लॉलीपॉप दे रहा है। इन दोनों को अवाम का कोई ख्याल नहीं, महंगाई ने गरीब अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम को जलीलो ख्वार कर दिया और यहाँ पर जो यू टर्न वाला राजा हम पर मुसल्लत है, इसके झूठे वादों और झूठे ऐलानात ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। मुलाजमीन सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। न्यू सिटी में मुतासरीन गुज़िश्ता कई माह से धरना दिए बैठे हैं। इलेक्शन के करीब आते ही हुकूमती जमात और अपोजिशन मीरपुर को गैस देने के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। ग्रैंड वाटर सप्लाई के झूठे वादे किए जा रहे हैं। अगर किसी किस्म का कोई भी झूठा या जाली नोटिफिकेशन किया गया तो हम इनके खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए KPN न्यूज़ HD।